गुड मॉर्निंग बेटा, आज हमारे लोकतंत्र के नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की परिभाषाएं। कल हमने लोकतंत्र का अर्थ पढ़ा था कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। एक का अर्थ जो है डेमोस का अर्थ जो है जनता बीच होता है, जबकि क्रेटिया का अर्थ जो है शासन या सत्ता से होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन। कल हमने लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ी थी कि लोकतंत्र जो है जनता का शासन है, जनता द्वारा निर्मित शासन है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, विकासशील शासन है और लोकतंत्र साधन है साध्य नहीं। लोकतंत्र के रूप पढ़े थे, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र की परिभाषाएं। लोकतंत्र की परिभाषाओं में पहली परिभाषा लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन ने दी है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के लिए और जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन लोकतंत्र है। अर्थात अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। दूसरी जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है वो दी है डायसी ने। डायसी ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? डायसी ने। एक बार देखो, डायसी ने लोकतंत्र की ये डेफिनेशन दी है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र की तीसरी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं सीले की। सीले ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? सीले ने। सीले ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है। ये हमने परिभाषाएं पढ़ी। पहली परिभाषा हमने देखी अब्राहम लिंकन की कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी डायसी की कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति जो है शासन कार्य में भाग लेता है। तीसरे डेफिनेशन हमने पढ़ी सीले की कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लॉर्ड ब्राइस। अगले डेफिनेशन किसे देख रहे हैं हम? लॉर्ड ब्राइस कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। यह हमने डेफिनेशन पढ़ी है लॉर्ड ब्राइस की। एक बार और देखो कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ये हमारे लोकतंत्र की डेफिनेशन परिभाषा हुई अब्राहम लिंकन, डायसी, सीले और लॉर्ड ब्राइस। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे शुद्ध लोकतंत्र बोलते हैं और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं जो है प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुता शक्ति का प्रयोग करती है। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति में का प्रयोग करती है। अर्थात जनता खुद स्वयं जो है प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, खुद ही कानूनों का निर्माण करती है, खुद ही नीति फैसले लेती है और जनता ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। एक बार देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। जनता ही नीतिगत फैसले लेती है, जनता ही कानून का निर्माण करती है और जनता ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अर्थात प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग नहीं करती, बल्कि जनता प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकारी अर्थात प्रशासन जो अपने जनप्रतिनिधि जी वो है चुनती है। अर्थात जनता स्वयं शासन नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वही शासन करते हैं।
प्रत्येक लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन नहीं करती बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वो शासन करते हैं, वही अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और वही कानून बनाते हैं और नीतिगत फैसले लेते हैं। कौन? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। किसमें? प्रत्येक लोकतंत्र में, प्रतिनिधि लोकतंत्र में। दूसरा है कि जो प्रत्येक लोकतंत्र है ये पहले यूनान के नगर राज्यों प्रचलित था, पहले यूनान के नगर राज्यों प्रचलित था और वर्तमान में केवल स्विट्जरलैंड की 5 कैंटिनों में अर्थात राज्यों में जो प्रांतों में जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान में अधिकांश देशों में पाया जाता है। तीसरा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो कम क्षेत्रफल और कम जनसंख्या अर्थात छोटे राज्यों में जो है सफल रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो कम क्षेत्रफल और कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में सफल हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो है जनसंख्या का स्तर जो है प्रत्येक देश का प्रत्येक राज्य का बहुत अधिक है। इस कारण से वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बजाय बड़े क्षेत्र और अधिक जनसंख्या होने के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सफल हुआ है। ये हमारे अंतर हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। इससे आगे हम देखते हैं हम लोकतंत्र शासन के गुण अर्थात लोकतंत्र का हम आलोचना तो परीक्षण करते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अच्छा क्यों माना जाता है और लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या दोष है अर्थात क्यों अच्छी है उसके पक्ष में हम बिंदु देंगे, जबकि लोकतंत्र में क्या कमियां हैं उसके विपरीत भी हम कुछ बिंदु देंगे। पहला है लोकतांत्रिक शासन के गुण। गुण में पहला है कार्य कुशल शासन। लोकतंत्र शासन जो है वो कार्य कुशल शासन है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार होती है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है वह सरकार जनता के हित में और नीतिगत फैसले लेती है, कार्य कुशल कार्य करती है, जनता के हित में उनके अनुसार ही कार्य करती है। समानता व स्वतंत्रता पर आधारित लोकतंत्र शासन में जो है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है अर्थात लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के साथ धर्म, भाषा, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाता, व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समान माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के समान, प्रत्येक व्यक्ति समान और स्वतंत्रता पर आधारित शासन के रूप में रहता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है अर्थात लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान रूप से और स्वतंत्रता पूर्वक न्याय करती है अर्थात वह किसी व्यक्ति के साथ धन या बल के आधार पर न्याय नहीं करके और वो जो है संविधान में आस्था रखते हुए कानूनी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकार से जो है न्याय करती है। विश्व शांति का समर्थक। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो विश्व शांति का समर्थक है, क्योंकि इसके अलावा जो शासन व्यवस्था थी वो जो है वो अधिनायकवादी थी, एक तरीके से राजतंत्र में जो है राजा की ही निर्णय शक्ति चली जाती थी, निरंकुश तंत्र में जो है निरंकुश प्रकार शासन किया जाता था, जबकि लोकतंत्र जो है वो विश्व शांति का समर्थक है कि सभी समानता से बंधुत्व और भाईचारे की भावना से रहे, ऐसी लोकतंत्र में भावना पैदा जो की जाती है। क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र जो शासन जो है उसमें क्रांति सुरक्षा है, क्योंकि लोकतंत्र में शासन किसी एक व्यक्ति किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता, लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है वो किसी एक वर्ग या एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के द्वारा नहीं चुनी जाती, ना ही वो सरकार किसी एक वर्ग या वर्ग विशेष के लिए कार्य करती है, इसलिए इसमें क्रांति से सुरक्षा रहती है अर्थात उस चुनी हुई सरकार के विरुद्ध क्रांति की संभावना ना के बराबर रहती है, क्योंकि वह सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के हित में ही फैसले लेती है, जनता के हित में ही कार्य करती है, इसलिए लोग उसका कम विरोध करते हैं, क्रांति से सुरक्षा रहती है। शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो शक्तिशाली शासन व्यवस्था है, जब भी देश पर कोई संकट उत्पन्न होता है तो सभी देश के जो नागरिक हैं वो एक साथ उस संकट में खड़े होते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर जो परेशानी आई है, सरकार जो है जिसके ऊपर वो संकट पैदा हुआ है उस संकट से लड़ने के लिए राष्ट्र के जो है सभी नागरिक अपनी देशभक्ति की भावना के साथ एक साथ खड़े हो उठते हैं, क्यों उन्हें पता है कि वो जो सरकार है वो उन्हीं के द्वारा चुनी हुई है और वो उन्हीं के ऊपर शासन कर रही है। इस प्रकार ये लोकतंत्र के गुण हुए कार्य कुशल शासन, समानता व स्वतंत्रता पर आधारित, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, विश्व शांति का समर्थक,
क्रांति से सुरक्षा और शक्तिशाली शासन व्यवस्था, संविधान में आस्था। संविधान के अनुसार जो है लोकतांत्रिक शासन में सरकार चलती है, संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है शासन करती है। इसी में आगे देखते हैं लोकतंत्र शासन के दोष। आलोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं अपन, तो इसके दोष देखते हैं कि क्या कमियां हैं। पहली है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र का दोष है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में जो है बुद्धिजीवी वर्ग उदासीन रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र में एक मूर्ख व्यक्ति जो है वो नौ विद्वान व्यक्ति के ऊपर शासन करता है। क्योंकि लोकतंत्र में हम देखते हैं कि जो सरकार होती है उसमें धन और बल, पैसे के बल पर जो है लोग चुनाव लड़ते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो उससे अपने को दूरी बनाए रखते हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता के कारण जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं वो शासन करते हैं लोकतंत्र में, जिसका नुकसान जो है जनता को होता है, देश को भी उठाना पड़ता है। तो ये लोकतंत्र में दोष है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो उदासीन रहता है। पूर्ण रूप में लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार के गठन में वो अपनी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं निभाता। दूसरा जो है अनुत्तरदायी शासन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है वो अनुत्तरदायी शासन, अर्थात एक सरकार अपने कार्यों को, अपनी विफलता को दूसरी सरकार के ऊपर डालती है या अपने विपक्ष के ऊपर डालती है। कोई भी अपने द्वारा किए गए कार्यों या अपनी असफलता की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेकर और एक दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो अब उत्तरदायी शासन के बजाय अनुत्तरदायी शासन माना जाता है। उदासीन मतदाता। लोकतंत्र में हम देखते हैं उदासीन मतदाता, मतदाता जो है बहुत कम प्रतिशत जो है मतदान का होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा, सरकार के द्वारा और जन सामान्य को बार बार बताने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारा मतदान प्रतिशत जो है वो आधे के समथिंग रहता है, अर्थात बहुत कम मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करते हैं। और कम मतदाताओं के कारण, उदासीन मतदाताओं के कारण जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं वो कम वोटों के प्रतिशत के आधार पर ही जो है विजय प्राप्त कर पाते हैं, जिससे योग्य व्यक्ति जो है उन्हें अवसर प्रदान नहीं होता। चौथा जो है संकट काल की दृष्टि से कमजोर। जैसे कि हमने गुरु में देखा कि लोकतांत्रिक शासन जो है संकट काल में अच्छा है, लेकिन संकट काल में एक कमजोर शासन है, क्योंकि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो देर से लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन में जो है जो फैसले जाते हैं, शक्तियों का जो है विभाजन सरकारों के बीच में होता रहता है और जो भी नीतिगत फैसला जो लिया जाता है उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। तो संकट काल की दृष्टि से, संकट काल की परिस्थिति के समय पर भी उस लंबी प्रक्रिया या फैसले लेने में देरी होने के कारण ये शासन व्यवस्था में काफी कठिनाई पैदा हो सकती है। इसी कारण इसे क्या माना जाता है, कमजोर। और स्वतंत्रता और समानता की धारणा भ्रमपूर्ण। जैसा हमने गुण में पढ़ा था कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता होती है, जबकि ये दोष बता रहा है कि लोकतंत्र शासन जो है वो स्वतंत्रता व समानता की धारणा जो है वो भ्रमपूर्ण है। कैसे भ्रमपूर्ण है कि हम देखते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता का अवसर नहीं है। जो योग्य व्यक्ति है लेकिन वो धन और बल के सामने जो है असफल होता है। चुनाव में हम देखते हैं कि जो कमजोर व्यक्ति जो है, जो गरीब है, उसे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान नहीं होता। यदि उसे अवसर मिलता भी है तो वो अपनी गरीबी या कमजोरी के कारण जो है चुनाव नहीं जीत पाता। क्यों? क्योंकि धन और बल के आधार पर जो व्यक्ति होते हैं वो अपने धन और बल से जो है व्यक्तियों को अपने उसमें लेकर और चुनाव जीतते हैं, जबकि योग्य व्यक्ति जो है वो योग चुनाव नहीं जीत पाता। कई बार हम देखते हैं कि कमजोर या गरीब व्यक्ति जो होते हैं उन्हें चुनावों में खड़े होने से भी रोका जाता है, चुनाव लड़ने के समय पर भी उन्हें जो है बड़ी परेशानियां पैदा की जाती है। इस प्रकार हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता और समानता की जो धारणा इसमें दी गई है वो भ्रमपूर्ण है। इस प्रकार हमारे टॉपिक लोकतंत्र की विशेषताएं, अब्राहम लिंकन, डायसी, सीले और लॉर्ड ब्राइस, लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों में अंतर, लोकतंत्र शासन के गुण और लोकतंत्र के दोष। इससे आगे हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण। धन्यवाद।